दिव्यतेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञानगुणभक्तिसंगमो श्रीहनुमते नमो नमः जय हनुमान् संकटमोचन जय हनुमान् केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान संकट उसके निकट नावे ले जो शरण तुम्हारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान जय हनुमान अब मैं पूरी तरह अस्वस्थ हो गया हूँ चाहे जो भी हो रिचराज मेरा लक्ष्य अटल है मैं सुग्रीव का अंत किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा बाली तो अपना निर्णय ले चुका है स्वामी उसके भविष्य का निर्णय श्री राम और हनुमान ही सुनिश्चित करेंगे आप तो भगवान हैं आपके मार्गदर्शन से मैं भी कुछ कर सकता हूँ सुग्रीव का कोई कुछ भी आयत नहीं कर सकता हम सब भी यही चाहते हैं प्रभु भैया अयोध्या में एक राक्षस घुस आया है हाँ भैया उसने ढेर सारे ऋषियों को मार डाला है क्या कहा अयोध्या में राक्षस आप सब चिंता ना करें मैं अभी उन सबको ठिकाने लगा के आता हूँ नहीं हनुमान तुम अकेले कदापि नहीं जाओगे चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ जरा मैं भी तो देखूं ये राक्षस होते कैसे हैं। अरे नहीं नहीं आप सब यहीं ठहरिए मैं अकेला ही देख कर आता हूँ नहीं हनुमान तुमने पूरी अयोध्या देखी भी नहीं राक्षस पता नहीं कहाँ छिपा होगा उसे कहाँ कहाँ ढूंढोगे वैसे भी सुना है कि राक्षस लोग घात लगाए छिपे रहते हैं पर भैया मुझे तो अयोध्या के बारे में सब पता है मैं तो हनुमान को अयोध्या का पूरा भूगोल बता सकता हूँ इसलिए मुझे अपने साथ चलने दीजिए ठीक है तुम भी हमारे साथ चलो भरत और शत्रुघ्न तुम दोनों माते के पास जाओ पर आपको भय नहीं लगेगा हनुमान कैसा भय राक्षसों से मिलकर मुझे हर्ष होता है चलिए ठहरो जा रहे हो तुम दोनों माते आपको पता है अयोध्या में एक राक्षस घुस आया है उसने कई लोगों को मार डाला है क्या अयोध्या में राक्षस घुस आया है किसने बताया तुम्हें माता यह सच है दरबार में यह सूचना आई है हाँ माते कई घायल लोग आए थे सभी बहुत दुखी थे माते ओ, पर तुम सभी कहाँ जा रहे हो उस राक्षस से मिलने जा रहे हैं यदि उस राक्षस से मिलेंगे नहीं तो उसके आतंक का अंत कैसे होगा तुम्हें पता है
राक्षस कौन होते हैं? हाँ माते, पता है। वो बहुत ही दुष्ट होते हैं। वो साधु संतों और ऋषि मुनियों को कष्ट देते हैं, इसीलिए उनका अंत करना अति आवश्यक है। फिर तो ऐसे दुष्टों से दूर ही रहना बेहतर है। जब वो हमारे सैनिकों को घायल कर सकते हैं, ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचा सकते हैं, तो क्या तुम्हें वो छोड़ देंगे? पर माते, हमारे राज में कोई आकर और हमारी प्रजा पर आक्रमण करे तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? पुत्र, उसके लिए हमारे सैनिक हैं। और आप सब अभी बहुत छोटे हैं। और जहां तक तुम लोगों की बात है, तुम सब जब बड़े हो जाओगे तब राक्षसों से सामना करना। परंतु मैंने बहुत सारे राक्षसों को पाठ पढ़ाया है, मेरी इस गदा में बहुत शक्ति है, देखिए कितना भारी है। अरे ये तो सचमुच बहुत भारी है। कैसे लेते हो इसे तुम अपने कंधे पर? परंतु मुझे तो ये कदापि भारी नहीं लगता है। माते, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हनुमान बहुत बली है, राक्षस इसका कुछ नहीं कर सकते। ये राक्षसों का अंत करके ही आएगा। संकट मोचन जय हनुमान। इन्हें यथार्थ का अनुभव होना चाहिए, लेकिन अयोध्या की रक्षा का दायित्व इन पर ही आने वाला है। संकट मोचन जय हनुमान। पुत्र भरत, तो आप सब यहीं पर हैं? हाँ, क्या गई? ये सब राक्षसों से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हनुमान अपनी गदा दिखा रहा है और कह रहा है कि ये इस गदा से राक्षसों का अंत कर देगा। हाँ माते, मेरी इस गदा में बहुत शक्ति है। गदा में शक्ति हो ना हो, लेकिन इसे अपने ऊपर इतना विश्वास तो है दीदी। पर इस विश्वास से राक्षसों का क्या होगा? दीदी, किसी भी तरह के युद्ध में विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है, और इसी विश्वास से युद्ध जीते जाते हैं। आप सत्य कह रही है छोटी माँ। माते, अब तो हमें जाने दीजिए। नहीं, मैंने कहा ना, तुम्हारे पिताश्री क्रोधित हो जाएंगे, और अयोध्या में काफी सैनिक हैं जो राक्षसों से सामना कर सकते हैं। अगर ये जाना ही चाहते हैं दीदी, तो इन्हें जाने दीजिए ना दीदी। बालक है, अगर इनका मन है तो जाने दीजिए। क्या कही, तुम भी इन बच्चों के साथ मिलकर बच्ची बन गई हो। इनकी अभी आयु ही क्या है, ये भला क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? दीदी, अगर आप नहीं चाहती तो ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन कल की अयोध्या इनकी है, इन्हें यथार्थ का अनुभव होना चाहिए, लेकिन अयोध्या की रक्षा का दायित्व इन पर ही आने वाला है। उसके लिए अभी बहुत समय है कैकेयी। भविष्य में जब अयोध्या की रक्षा की दायित्व इन पर आएगी, तो उन्हें अपने आप ही अनुभव हो जाएगा। कैकेयी बालकों को संकट में क्यों डालना चाहती हैं स्वामी? क्या वो राक्षसों की प्रकृति नहीं जानती? क्या वो नहीं जानती कि राक्षस संपूर्ण मानव जाति
और ऋषियों महर्षियों को अपना शत्रु मानते हैं? वह सब कुछ जानती हैं देवी, इसलिए तो वो श्री राम और हनुमान को उनका सामना करने के लिए भेजना चाहती है। ये कैसे हो सकता है स्वामी? ये बालक उनका क्या कर सकते हैं? देख, क्या आपको हनुमान की शक्ति पर विश्वास नहीं है? मुझे हनुमान की शक्ति पर पूरा विश्वास है स्वामी, पर राम और लक्ष्मण भी उनके साथ जाना चाहते हैं। यदि उन्हें कुछ हो गया तो देवताओं की योजना का क्या होगा? देवी, कदाचित आप यह भूल जाती हैं कि श्री राम साक्षात श्री हरि के अवतार हैं, और वो कुछ प्रकट करें या ना करें उन्हें सब कुछ ज्ञात है देवी, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन अयोध्या पर राक्षसों का संकट नहीं है स्वामी, यदि फूले बटके कोई राक्षस आ भी गया तो उसके लिए राज सैनिक वहाँ है। देवी, इस राक्षस का आना अनायास नहीं, पुनः आप जानती हैं देवी कि सिद्ध आश्रम पर विजय पाने के पश्चात राक्षसों का लक्ष्य अयोध्या ही, यदि इन्हें रोका नहीं गया तो संपूर्ण आर्यावर्त पर राक्षसों का ही अधिकार होगा। तो क्या इसकी चिंता अयोध्यापति दशरथ को नहीं है? वो तो चक्रवर्ती सम्राट है। देवी, दशरथ पुत्र मोह से ग्रसित है, वह तो उन्हें महल से भी बाहर नहीं निकलने देना चाहते। किंतु सत्य यह है देवी कि श्री हरि के अवतार श्री राम के हाथों ही उन राक्षसों का अंत होगा। कई कई अप्रत्यक्ष रूप से यह सब जानती है। राम भले ही बालक है किंतु उनकी शक्ति पर उन्हें कोई संदेह नहीं है। संभवतः वो सब कुछ जानते हैं, पर वो अयोध्यापति दशरथ को कैसे समझा सकते हैं? किंतु वह प्रयास तो कर सकते हैं देवी। संकट मोचन जय हनुमान। तुम अनावश्यक रूप से अपने आप को भयभीत ना करो। संकट मोचन जय हनुमान। महाराज, हम कब तक कुमारों को महल में छुपा के रखेंगे? कब तक उन्हें यथार्थ से दूर रखेंगे? क्या कही? अयोध्या की सुरक्षा के लिए हम अपने पुत्रों को संकट में कदापि नहीं डाल सकते। क्या अयोध्या के पास सैन्य दल का अभाव है? लेकिन आप क्यों नहीं समझते स्वामी कि भविष्य में अयोध्या उनकी ही है और उन्हें ही इसकी रक्षा करनी है। भविष्य की बातें भविष्य के गर्भ में हैं। जब भविष्य में कुमारों पर अयोध्या के शासन का भार आएगा तब देखेंगे। लेकिन क्या उचित नहीं है स्वामी कि हम उन परिस्थितियों से लड़ने की तैयारी आज से ही कर लें? मैंने कहा ना कहकई, क्या अयोध्या की सैन्य शक्ति समाप्त हो गई है? संपूर्ण संसार में अपनी शक्ति और संप्रभुता के लिए विख्यात अयोध्या क्या इतनी निर्बल है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए कुमारों पर निर्भर होना पड़ेगा? क्या अयोध्या पर इतना बड़ा संकट आ गया है? नारायण नारायण। प्रभु, अयोध्या में संकट का वातावरण है। देवर्षि नारद, आप किस संकट की बात कर रहे हैं? असुरों और राक्षसों की दृष्टि अयोध्या की सीमा पर है और अयोध्यापति नरेश दशरथ एकदम निश्चिंत हैं। देवर्षि नारद, महाराज दशरथ अयोध्या नरेश हैं और अपनी सैन्य सुरक्षा बल से आश्वस्त हैं। फिर भी उन्हीं के प्रजा पर असुरों का आतंक? देवर्षि नारद,
असुर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं और उनकी दृष्टि अयोध्या पर है। तो फिर क्या होगा प्रभु? क्या इस तथ्य को अयोध्यापति महाराज दशरथ नहीं जानते हैं? और यदि जानते हैं तो श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान को असुरों को भगाने के लिए क्यों नहीं भेज रहे हैं? सत्य तो यह है देवर्षि नारद कि इस तथ्य को महाराज दशरथ से अधिक केकई जानती है, क्योंकि उन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों की शक्तियों को देखा था। इसलिए केकई भविष्य के अयोध्या में श्री राम की भूमिका को देख रही है। किंतु प्रभु, अभी तो श्री राम बहुत ही छोटे हैं। देवर्षि नारद, महाराज दशरथ भले ही राम को पुत्र के रूप में देख रहे हैं, किंतु केकई उन्हें एक शक्ति के रूप में देख रही हैं। उन्हें अयोध्या के सैन्य शक्ति की अपेक्षा राम की शक्ति पर अधिक विश्वास है। महाराज, आप किन सैनिकों के बारे में बात कर रहे हैं? कहां गए थे आपके सैनिक जब सिद्धाश्रम के ऋषियों को जीते जी अग्नि में झोंका गया था? कहां थी आपकी सेना जब अयोध्या की प्रजा पर राक्षस टूट पड़े थे और उनको अपना शिकार बनाया गया था? क्या कही, अतीत की बातें मत करो। महाराज, इन अतीत की बातों में ही हमारा वर्तमान टिका है और मैं उस इतिहास के बारे में बात कर रही हूं जिसकी भूल को सुधारने की अब आवश्यकता है। हमें सिद्धाश्रम की घटना को कदापि नहीं भूलना चाहिए। सिद्धाश्रम और अयोध्या में बहुत दूरी है और अयोध्या पर आक्रमण करना सहज नहीं है। तुम अनावश्यक रूप से अपने आप को भयभीत ना करो। हम अपने दायित्वों को भली बात जानते हैं। नहीं महाराज, आप अपने दायित्वों से दूर हो रहे हैं। और ये मत भूलिए कि सिद्धाश्रम भी अयोध्या का ही एक अंग है और विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने सिद्धाश्रम की स्थापना अयोध्या के भरोसे ही की है। संकट मोचन जय हनुमान। रक्षा कीजिए गुरुदेव, हमारी रक्षा कीजिए गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, ये राक्षस हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हमें मार डालेंगे। उन्होंने सुकान पर प्राणघात किया है गुरुदेव। रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कैसे हुआ ये सब? क्या वो राक्षस इतने बलवान हो गए हैं कि तुम सब मिलकर भी सुकांत के प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए? मेरी दी हुई विद्या काम नहीं आई? गुरुदेव, सब कुछ अचानक हो गया।
हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे गुरुदेव। मैंने कितनी बार कहा है कि हमें सदैव हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। शास्त्र के साथ शस्त्र की विद्या किस दिन के लिए सिखाई थी? उस राक्षस ने छिपकर प्रहार किया गुरुदेव, छल से उसने सुखांत को मारा। शत्रु से सदैव सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुम सभी जानते हो कि सिद्धाश्रम का ये क्षेत्र सदा से ही आसुरों और राक्षसों का लक्ष्य रहा। वो नहीं चाहते कि यहां पर यज्ञ आदि हो, क्योंकि यदि यहां पर यज्ञ और पूजा अर्चना सतत रूप से चलती रही तो उनकी सत्ता पर संकट आ जाएगा। वे आसुरी सत्ता की स्थापना पूरे आर्यावर्त में करना चाहते हैं। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु सिद्धाश्रम क्षेत्र तो अयोध्या के अंतर्गत आता है और हमारी रक्षा का दायित्व तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ पर है। क्या तुम अयोध्या के सैनिकों की प्रतीक्षा करते रहोगे? क्या तब तक तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे कि अयोध्या की सेना यहाँ पर आएगी तब तुम्हारी रक्षा करेगी? स्वयं शक्तिशाली बनो, अपने आत्मबल को जगाओ, साहसी बनो। यदि जीवित रहे तो धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने में सहायक सिद्ध होगे, अन्यथा सभी राक्षस सुकांत की तरह इस आश्रम के सभी शिष्यों का वध कर देंगे। जाओ और जाकर सुकांत के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। किंतु सावधान, वो राक्षस किसी भी क्षण हम पर आक्रमण कर सकते हैं। कैसी अनुमति? राक्षसों को पाठ पढ़ाने के लिए अनुमति, परंतु शीघ्र ही लौट आना। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। Day.